बिहारी बॉय सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब उनके पटना स्थित घर पर जानी मानी हस्तियों का आना जाना जारी है। इनमें एक्टर शेखर सुमन भी थे। शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मुलाकात की और शोक जताया। बाद में शेखर सुमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। शेखर सुमन ने जब मीडिया से बात की उस वक्त उनके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अब बताया जा रहा है कि इस राजनीतिकरण से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार काफी नाराज है। शेखर सुमन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुशांत के परिजनों ने राजनीतिक नौटंकी बताया है। इसे लेकर अब शेखर सुमन को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। शेखर सुमन ने कहा कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता कि सुशांत का परिवार मुझसे अपसेट है। ये सच नहीं है, किसी ने ये झूठी खबर फैलाई है, क्योंकि जब भी ऐसा काम शुरू करते हैं तो कई लोग आपको रोकने के लिए आ जाते हैं। यही इस मामले में भी हुआ। शेखर सुमन ने ट्वीट के जरिए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राजनीति की ओर मेरा कोई झुकाव नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, मेरा ये स्वभाव नहीं है। अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे 10 फुट दूर से छूना पसंद करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में राजनीति का नाम देकर कुछ लोग मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शेखर सुमन कहते हैं कि वैसे अगर कोई मुझे राजनीति में जाना है तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल क्यों करूंगा, मैं इतना तो मशहूर हूं कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकूं। लोगों को कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले शेखर सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले महीने करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए थे। आखिर उसने सिम कार्ड क्यों चेंज किए? सिम कार्ड कोई क्यों चेंज करता है? जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई धमकी दी जा रही हो, जब कोई खौफ हो, तब कोई सिम कार्ड चेंज करता है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सुशांत के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, अगर सुसाइड नोट होता तो ये सीधा केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता। सुसाइड नोट ना होने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठकर प्लेस्टेशन पर था, जो एक ग्लास जूस मांगता है आकर बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी बात क्या हुई कि उसने कहा चलो अब उठते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। आपको बता दें कि 34 वर्षीय बिहारी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस शुरू हो गई है। पुलिस भी इस मामले को लेकर लगातार जांच में जुटी है। परिवार के सदस्यों के अलावा अब तक उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा, यशराज फिल्म की कास्टिंग निर्देशक सोनू शर्मा और अभिनेत्री संजना सांगी समेत 29 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं अब इस मामले में फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली का बयान सोमवार यानी कि 6 जुलाई को दर्ज किया जाएगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।